ये दोनों कैमराज हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं स्टार्ट करते हैं बिना वो गवाए चले शुरू करते हैं Let's get started. थोड़ी वीडियो तो पूरी देख लेना और ए सेवन एम थ्री में से फिर आप कंक्लूजन ले पाओगे कि कौन सा कैमरा आपको लेना है फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट देखिए न्यूली लॉन्च कैमरा है जो कि लगभग 2022 के बीच में मिड में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ था और न्यू फीचर्स के साथ में आता है जैसे कि इसमें 4K 120 फ्रेम पे आप शूट कर सकते हो 10 बिट पे फुल एच पे 240 फ्रेम पे शूट कर सकते हो 10 बिट पे बिल्ट इन हमें फैन मिल जाता है और साथ साथ में वीडियो को लेके काफी सारे फीचर्स जो है वो बॉडी पे हमें देखने को मिलते हैं बॉडी काफी लाइटवेट बनाई है कंपनी ने है। जूम के लिए बटन मिलता है कैमरे के ऊपर इट्स जो कि अगर हम एम से कंपेयर करें तो एम जो है वो दो में लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में लगभग 2019 से स्टार्ट हो गया था मिलना M3 में वीडियो को लेकर के लिमिटेड फीचर्स हैं जैसे कि 4K 30 फ्रेम 8 बिट करता है और फुल एच पे 120 फ्रेम बीस फ्रेम करता है और ऑटो फोकस में भी अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपको FX30 का ऑटो फोकस ज्यादा बेटर लगेगा क्योंकि ये नया कैमरा है नए फीचर्स में ट्रैकिंग में भी वीडियो में काम करती है जो क्योंकि M3 में हमें वो नहीं देखने को मिलती है अगोनोमिक वाइज भी अगर आप देखोगे तो M3 से बेटर ऑगोनॉमिक आपको जो है वो FX30 के देखने को मिलेंगे क्योंकि वीडियो और नए ग्रिप में डिजाइन हो रखा है M3 जो है वो पुरानी ग्रिप में हमें पतली ग्रिप के साथ में हमें देखने को मिलता है अब प्राइस की बात करते हैं देखो एफ एक्स थर्टी जो है वो किट लेंस में नहीं आता इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है इंडियन मार्केट में आप हैंडल और विदाउट हैंडल ले लो विथ हैंडल में आपको एक लाख पिचासी हजार रुपए के आसपास मैं बता रहा हूँ सेलिंग प्राइस दो लाख रुपए हमारे पिचासी हजार तक मिल जाता है और जो है वो विदाउट हैंडल एक लाख पैंसठ हजार रुपए मिल जाता है एम आर पी एक लेंस आता है साथ में अभी ये लगभग आपको डेढ़ लाख रुपए के आसपास जो है वो किट लेंस के साथ में मिल जाता है डेढ़ लाख एक लाख पचपन हजार रुपए के आसपास में दोनों ही कैमरे के सेंसर के साइज की बात करें तो एफ एक्स थर्टी का ट्वेंटी सिक्स मेगा पिक्सल का सेंसर है 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 और M3 का जो है वो फुल सेंसर है, 24 है। M3 जो वो पर के में में आता एक अच्छा कैमरा इस मतलब अगर आप डेढ़ लाख रुपए तक की रेंज में कैमरा देख रहे हैं तो एम थ्री जो है वो आपको ट्वेंटी फोर मेगा पिक्सल का फोटो देगा ऑप्शन और वीडियो में डिसेंट फोर के एट बिट वीडियो बनाने का ऑप्शन देगा बट अगर आप एडवांस कैमरा देखना चाहते हैं थोड़ा पैसा और इन्वेस्ट कर सकते हैं पचास साठ हजार रुपए एक्स्ट्रा तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो एफ एक्स थर्टी की तरफ जाए बिकॉज एफ एक्स थर्टी में आपको वीडियो को लेकर के ज्यादा फीचर डाले हुए हैं कंपनी ने फोर के एक सौ बीस तक आप कर सकते हो बिट कर सकते हो कलर्स निकाल सकते हो आउटपुट में ये एक्सटर्नल ड्रॉ आउटपुट देता है विच इज रियली रियली ग्रेट क्योंकि एम में हमें नहीं मिलती है ठीक है और बॉडी में भी फोकस में भी काफी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है क्योंकि तो हमें एम में वो चीजें नहीं मिल जाती बिकॉज एम थ्री स्टिल अ वेरी ओल्ड कैमरा दो में लॉन्च हुआ हुआ कैमरा है काफी कॉम्पिटेटर्स आज के नए कैमरे में भी एम वाले फीचर्स नहीं दे पा रहे तो एम थ्री स्टिल अ गुड कैमरा नौ हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो फोर में ये एक तीस फ्रेम करता है फुल फ्रेम करता है लो लाइट में 10000 आईएसओ तक पांच बंद करके शूट कर सकते हो वेयर एज एफएक्स 30 जो है वो न्यू कैमरा है ड्यूल बेस आईएसओ में आता है बट क्योंकि ये क्रॉप सेंसर कैमरा है तो 6 7000 आईएसओ तक आप इसमें ग्रेन नहीं देखोगे जो कि जो कि M3 में आपको 10000 आईएसओ तक का एडवांटेज मिल जाता है ओवरऑल दोनों ही कैमरास फोटो और वीडियो में बहुत बढ़िया है वेरस एम में आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप इसमें कोई भी फ्लैश कनेक्ट करके फ्लैश फोटोग्राफी कर सकते हो एफ एक्स में सोनी ने जो है वो मैकेनिकल शटर हटा दिया इसी वजह से जो है ये इसमें फ्लैश का फीचर नहीं काम करता तो कोई भी फ्लैश नहीं चलेगी कंटिन्यू लाइट्स यूज करनी पड़ेंगी फोटो को शूट करने के लिए ठीक है वीडियो में तो कंटिन्यू ही चलती है बट फोटो में भी यू रिक्वायर्ड कंटिन्यू लाइट्स टू शूट फोटोज यहाँ पे M3 में हमें फ्लैश का फीचर भी हमें देखने को मिलता है तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस डिफरेंसेज है, है ना आपको FX30 के पसंद कर रहा है और डायर टू कैमरा से भी शूट करी है। M3 में 2, 3 का फीचर मिलता है और एसलॉक थ्री पे एम थ्री को आप नहीं चला सकते बिकॉज ऑफ बहुत नॉइज बनाने लगता है एसलॉक टू पे ज्यादातर एम थ्री चलता है जिसमें आपको तेरह चौदह स्टॉक की डायनेमिक रेंज मिल जाती है एफ एक्स थ्री में हमें नया एस लॉक थ्री मिलती है और इसमें एच फोर्टीन प्लस टॉप तक की डायनामिक रेंज मिल जाती है तो मैंने जितनी भी फोटेज को कलर ग्रेड आपको अभी एक्साम्पल्स दिख रहे होंगे एम के और एफ एक्स के जितने भी फोटेज को कलर ग्रेड किया है ना उनको कलर ग्रेड करने में जो मैंने लट यूज करी है उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ हम जाकर चेकआउट करना मास्टर लट है वट एवर सोनी कैमरा यू हैव वो लट अप्लाई करो आपकी फोटेज सिनेमेमिक लुक में कन्वर्ट हो जाएगी ठीक है उन लट्स को आप किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हो मेरी वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे साथ साथ में मेरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी चल रहा है और वीडियो ग्राफिक का भी कोर्स चल रहा है और फिल्म मेकिंग वीडियोग्राफी का भी कोर्स चल रहा है वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे दोनों ही कैमराज डिसेंट फोटो और वीडियोज प्रोड्यूस करते हैं मेरी तरफ से दोनों ही कैमराज बहुत बढ़िया कैमरा है, है फॉर शूटिंग फोटोज एंड वीडियोज बट अफकोर्स अगर आपका मोर वर्क वीडियो का होने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में और आप एक अच्छा बजट सिनेमा कैमरा देख रहे हैं तो मैं आपको एफ एक्स थर्टी रिकमेंड करूंगा एफ एक्स थर्टी में एक एडवांटेज और है कि इसमें फैन मिलता है तो ये हीट नहीं होता और इसमें आप टाइप सी केबल लगा करके इसको तीन चार घंटे तक कंटिन्यू लॉन्ग वीडियोज में यूज कर सकते हो

जिससे आप अच्छे वीडियोस कर पाओ सिनेमैटिक कंटेंट बना पाओ 4K कर सको 60 फ्रेम तक 120 फ्रेम तक 10 बिट कलर ले पाओ तो मैं आपको FX30 एक्स थर्टी रिकमेंड करूंगा दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जितने भी फुटेजेस मैंने दिखाई हैं उनके सैंपल शॉट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो और बाय द वे मेरे कोर्स को मेरी लर्ट्स को भी जाके डाउनलोड कर सकते हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टेट यून एंड कीप शूटिंग